लाइफ हंड्रेड में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुशवाहा आज राजपूत के साथ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रेरणा गांव में जो कि कदौरा ब्लॉक के अंतर्गत आया तहसील कालपी। और आइए ग्रामीणों को क्या कहना है, देखिए यहाँ पे कैमरामैन से कहेंगे मंदिर यहाँ नज़दीक बना हुआ है, नवरात्रि चल रही है जैसे त्यौहार चल रहा है और यहाँ पे देखिए घूरे कितने बड़े पड़े हुए हैं और यहाँ भी दिखाए कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाया जरा। आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ, ग्रामीण लोगों से क्या समस्या है बताइए, क्या समस्या है सफाई करें जो आते नहीं सफाई डाले गंदगी बड़ी लोगों को मना करते हैं लोग मारते नहीं। प्रधान जी क्या कहते हैं आपको? प्रधान जी आते हैं तो कहते सफाई करवाएंगे फिर लोग आते नहीं, आठ दिन में आए तो सफाई कर गए। अच्छा सफाई करने की अभी इनका कहना है कि प्रधान जी आते नहीं है सफाई करने। आइए इनसे पूछते हैं क्या नाम है दादा? देवेंद्र कुमार जी आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं और ये बताएं मैं क्या समस्या आपको गांव को लेकर आपको सफाई भाई क्यों नहीं होती है आप क्या सफाई का काम क्यों नहीं हो रहा है? साफ सुथरा होता नहीं कोई आता नहीं। प्रधान जी से आप कहते नहीं है क्या? प्रधान जी से क्या आप इस गांव के नहीं है क्या? प्रधान जी से कहते तो बता दिए हम आए ना तो सफाई करनी कहाँ है इस गाँव के? यहाँ के नहीं है सर, बाहर के हैं। तो आते क्यों नहीं है? आते ही कभी कभार आ गए नहीं आ गए ऐसा चलता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नमन जैसे लोग कहते हैं सर, यहाँ पे और चले जाओ सर, कीचड़ देख लो यहाँ पे सफाई वफाई क्यों नहीं होती? क्या समस्या है? क्या परेशानी है आपको? सफाई वफाई होती है कि नहीं, क्यों नहीं होती है? अच्छा प्रधान नहीं सुनता है? यहाँ पे नाला देख रहे हो कीचड़ पड़ा है, यहाँ पे नाला हुआ सर, इधर यहाँ पे लवाजानी नाली और आगे बढ़ो थोड़ी दुकान के पास जाओ देखो वहाँ पे नाला में कार्यक्रम चल रहा है, इसके आधार आगे देख रहे नाला पड़ा हुआ है। हम लोग कपड़े चिंग के लिए निकलते हैं तो लोग वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाइए नाला बड़ा पूरा रोड खोल गया। यूपी लाइव हंड्रेड में आपका स्वागत है, मैं उपेंद्र कुशवाहा और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनपद जालौन के ग्राम दशहरी जो कि कदौरा ब्लॉक के अंतर आता है। और यहाँ पे देखिए कितना समस्याओं को लेकर हम ग्रामीणों से बात करते हैं और मैं आया तो चाचा अपने द्वारे ही साफ कर रहे हैं। चाचा आप कब से यहाँ देख रहे हैं ये गंदगी पड़ी हुई है? ये हो गई कम से दो तीन साल है यहाँ, ये दो साल हो गए नाली भी नहीं देख रहे हैं नाली है नहीं है सब टूटी पड़ी है। ब्रजलाल जी को देखिए यहाँ अपने दरवाजे को सफाई करना पड़ रहा है और जो कि यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी भी आ रहा है ना कुछ। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी बताएं क्या समस्या है आपकी? ये समस्या यहाँ पे टांकों से पानी भरा रहता है। तो आप प्रधान निर्जान जी के खिलाफ नहीं देते कुछ? प्रधान जी क्या है कि वो लोग आते ही नहीं है, क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी प्रधान जी उससे बोलते हैं सफाई कर्मचारी जो मिले आएगा पैसा ले लेते हैं कार नहीं करवाते हैं। क्या समस्या आपकी बता? यहाँ पर दो साल तीन से पानी रुका है, मतलब खिलाव भी है, खाकर मोटरसाइकिल नहीं कर पा रहा है, अपने अपने द्वारे आप साफ कर रहे हैं, मतलब मेरा जिसके द्वारे गंदगी खुद कर रहा है पैदल नहीं निकल पाता। गांव वालों को क्या है? जैसा आप देख रहे हैं गांव वालों को क्या है, गांव वाले बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं और यहाँ कर्मचारियों से काम करवा पैसा लेके वो काम नहीं करवाता, देखिए कर्मचारी पैसे लेके वो आते नहीं है ड्यूटी पर, वो पैसा भर देते हैं वहीं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका भाई? जगपाल जी क्या समस्या आपकी? अरे घर में पानी देखिए मैं अपने कैमरा मैन से कही जरा यहाँ दिखाऊँ बिल्कुल दिखाएं। और इस वक्त देखिए कितने ज़्यादा साफ सफाई कर रहे हैं अपने दरवाजे के अंदर, वो त्यौहार चल रहा है फिर भी यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, जाकि योगी सरकार कहती है बिल्कुल हमारे गांव देश देश सब स्वच्छ है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल घूसखोरी की सिवा कुछ नहीं है, जो सभी घूसखोरी चल रही है। पहुँच चुका हूँ ग्राम कौन सा है गांव? कुरैना गांव में पहुँच चुका हूँ और हमारे साथ में प्रधान जी बैठे हुए हैं, बताइए क्या नाम है आपको? मधु कुमारी जी, जब से आपने बस्ता संवारा है आपने अभी तक कार्यक्रम क्या क्या करवा चुके हैं? क्या काम करवा सभी क्या? काम क्या होता है ये मत कहिए, सभी काम होता है इसके
अभी मैं देख के आया हूँ यहाँ बहुत ज्यादा कचरा पड़ा है, नाली भी लगभग सफाई कर्मी तो आते हैं। ऐसे नहीं, आपके द्वारा क्यों साफ पड़ा है, वहाँ क्यों नहीं डला? गलत आप बोल रही है, नाली थोड़ी ना, वो नाली एकदम लपला बड़ी पड़ी है। वो स्कूल के पास में भी गया था तो वहाँ भी बड़ी पड़ी। क्या क्या काम हुआ है? क्या काम करवाया? और सड़कें कहाँ बन रही, किस जगह बताया? स्कूल के बगल में कितना बड़ा खांचा पड़ा है, पता है कितना बड़ा खांचा, वो क्यों पड़ा है स्कूल के बगल?